अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना हमारी इफ्तारी बहुत ज़्यादा देर से शुरू हो रही है क्योंकि हम सब सो गए और आज का दिन जो है ना बहुत स्पेशल है। और आज का दिन क्यों स्पेशल है, आप लोगों को ये ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको पता चलेगा कि ये ब्लॉग क्यों स्पेशल है। और देखो टाइम क्या हो रहा है, 6:30 बज चुके हैं और इफ्तार में जितने इफ्तारी में 10 से 15 मिनट बाकी हैं और मैं जो है इस वक्त बना रही हूँ कबाब। और आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े के पकवान। तो 3 औरतें पहले ही हमारे किचन में लगी हुई हैं और ये देखो मैं छोटे से कबाब बना रही हूँ। मुझे मम्मी ने अभी ये सारे कबाब की जो चीज़ें हैं ना ये पीस कर दी है। अब ये कबाब जैसे भी बनेंगे सबको खाने पड़ेंगे। बाकी मुंता आपको दिखाती है कि किचन में जो है ना क्या क्या चीज़ें बन रही है और आज स्पेशल डे पे क्या क्या चीज़ें बन रही है। यहाँ पे मम्मा बनाते हैं फ्राइड राइस। और ये क्या बनाते रहेंगे आप? फ्राइड राइस है नहीं, बन जाएंगे ना जब दिखेंगे। हाँ शायद वही है। और यहाँ पे वर्दापी ने आप क्या बना रही हो? ये दही बड़े चला ही नहीं है, ये चॉकलेट ही दही बड़े, ये थोड़ी सी दही है। और हमारे भाई साहब ये, और यहाँ पे एक शॉपर भी रखी है यार, ये क्या है? अरे ये तो रजा भाई लेके आए, चलो उसको खोल के देखते हैं ये है क्या। वर्दा को ना दही बड़े बनाने नहीं आते। आज की जो ड्यूटी है ना मम्मी ने वर्दा को दे दी है दही बड़े बनाने के लिए। यार ये पहले एक हाथ से कैसे खोलूंगी भाई, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं। ये मैं नहीं खोल सकती। खुल गया, टारगेट कंप्लीट। एक हाथ। आज बहुत ही स्पेशल डे है और आप लोगों को भी पता होगा कि आज स्पेशल डे क्यों है। अगर आप लोग जानना चाहते हो ना कि आज का दिन स्पेशल क्यों है और ये इतने मजे के पकवान हमारे घर में क्यों बन रहे हैं। अरे ये तो रोल समोसे है। चूल्हा खाली, मम्मा ले आओ कबाब फ्राई करने के लिए। तुम फ्राई करोगी, मैं फ्राई करूंगी। वर्दा ने फिर कबाब जला देना क्योंकि अभी से दही बड़े जलाए ना, चॉकलेटी दही बड़े बनाए। चॉकलेटी दही बड़े का आज क्या सीन हुआ? मुझे ना अपना वाउचर करवाना था, सही है, फीस पे करवानी थी। अब वर्दा आपको मैंने बोला कि फीस पे करा के आ जाना, तो बैंक में मसला टाइमिंग है 3 बजे। मुझे लग रहा है फाइनली हमारी इफ्तारी ना लेट होने वाली है वाकई में। और देखो उसे दुपट्टा कहाँ फेंका है, मेरे कदमों में फेंका है अपना दुपट्टा। एक काम करते हैं, अभी सिर्फ इतने फ्राई करते हैं कबाब, जितने अफराद है ना घर में इतने कबाब फ्राई करते हैं। और बाकी जो देखो टाइम बहुत, मुझे टाइम दिखाया कितना कम है। कराची में सिर्फ डोका खोलने में 10 मिनट बाकी हैं और आज इफ्तारी हो गई हमारी लेट 25 मिनट। मतलब इफ्तार स्पेशल डे पे हमारी इफ्तारी लेट हो गई यार। हमने तो भिजवानी भी थी आज आज जो है वो मेरी जल्दी छुट्टी हो गई थी और मैं ऑफिस से आ गई तकरीबन 2:30 बजे। उसके बाद आके मुझे इतनी नींद आ रही थी, तो नींद के लिए आके मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और मैं जाके ना सो गई। और क्या हुआ, मम्मी जाके ना मेरे साथ सो गई और मम्मी भी उठी है, मैं अभी नमाज़ पढ़ी और टाइम देखो यार आज से इफ्तारी लेट हो गई बस। और किचन में देखो पहले से लोग लगे हैं लेकिन फिर भी इफ्तारी जो है वो भी अभी लगे हैं। आज मेरी कोचिंग की ब्लॉक 6 बजे हुई है, तुम्हारी 6 बजे। तो गाइस ये बन चुके हैं कबाब और हम जल्दी जो है ना जाके कबाब फ्राई करते हैं। चूल्हा खाली हो गया, बस जितने लोग हैं ना उसको जल्दी से फ्राई करेंगे। मम्मी से पूछे हम इसमें अंडा तो नहीं डलेगा, मम्मा फ्राई करने के टाइम पे इसको कोई अंडा नहीं डालना। चलो जल्दी से चलो, लेके जाओ इसको। नहीं इसको लेके चलो, इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ देते फिर इसको लेके चलते। अब यार सारे लोग जल्दी किचन में लगे हैं, हड़बड़ वो किधर चले पकड़ के चलो। सलमा ना आज तुम्हारी अम्मी जो थी ना वो सो गई थी। हाँ आज अम्मी, हाँ सही, आज अम्मी सो गई थी, अम्मी सोती थी आज, पता नहीं कैसे सो गई है। आपने कितना सारा ऑयल डाल दिया है? ये सारे रखने हैं साइड में, तो मैं इंतजार कर नहीं सकती हूँ। ये जल गया चूल्हा और जल्दी से हम लोग मम्मी यहाँ पे फ्राइड राइस भी कबाब फ्राई करेंगे। इनको पता नहीं ये अब यहाँ पे जल्दी फ्राई हो रहे हैं। हल्की आग रखी है क्योंकि ये अंदर से पहले से पके हुए थे, बस हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। मैं दस्तरखान पे चीज़ें रख देती हूँ, जब तक चीज़ें रख देती हूँ। हमारा इफ्तार वगैरह हो चुका है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है यार कितनी हबड़-तबड़ मची हुई थी, इतनी ज़्यादा हबड़-तबड़ मची हुई थी कि बस सो के उठ के बस दिमाग जो है ना वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार में बहुत सारी चीज़ें बन गई और हमने खा भी ली। और अब जो है किचन के बर्तन है वो बस धोना बाकी है। और अब अगर मुझे कोई चाय पिला दे ना तो क्या ही बात हो जाए। अभी मैं देखो अपनी मैंने उसे किसी से पूछती हूँ कि मुझे कोई चाय कौन पिला रहा है। मैं ना वर्दा से पूछती हूँ कि वर्दा चाय पिला रही है नहीं पिला रही। वर्दा चाय पिला रही हो? अच्छी के लिए चाय पिला, होटल की पिला दो, नीचे काकू होटल है ना उसकी पिला दो। पक्का डन। तो भाई वर्दा मान गई है चाय पिलाने के लिए। और आज का दिन जो था वो क्यों स्पेशल था रुके बताती हूँ। अच्छा ये जो अभी कबाब रह गए थे ना बनाने वाले, इनको मैं अभी कंप्लीट करके फ्रीज़र में रखूँगी, बना कर रख दूँगी, मतलब सारे फ्राई मतलब शेप बना के रख दूँगी। उसके बाद फिर जब हम कल इसको बनाएंगे ना फिर हम इसको फ्राई करेंगे। मुंतहा से पूछती हूँ, मुंतहा चाय बता रही हो? मुंतहा चाय पिला रही हो? साफ इनकार कर दिया, चाय नहीं पिला रही भाई। तो दस्तरखान भी यहाँ पे उठाना बाकी है अभी, और बर्तन भी धोना बाकी है। तो आज का दिन जो है वो क्यों स्पेशल था? आज का दिन इसलिए स्पेशल था क्योंकि आज था रमज़ान का पहला जुम्मा। है ना? तो आज था रमज़ान का पहला जुम्मा और पहले जुम्मे को हमने ये सोचा था कि हम लोग बनाएंगे इफ्तारी, और मोहल्ले में यानी कि जो भी हमारे जानने वाले घर हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब क्या हुआ, बैठी नहीं हो गई, मम्मी भी सो गई और मैं भी ऑफ़िस से आके नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, मैं भी सो गई। उमूमन मैं भी दोपहर में ऑफ़िस से जब आती हूँ तो मैं रमज़ान में 2 दिन से नहीं सो रही थी, बट आज जो है वो जल्दी आ गई थी तो आज मैं सो गई। तो इस वजह से हमारा इफ्तारी का प्रोग्राम जो था ना वो बढ़ गया। तो गाइज़ होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और रमज़ान का पहला जुम्मा था, आप लोगों ने क्या क्या किसके लिए दुआ करी और आप लोगों ने क्या क्या मज़े के पकवान बनाए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने। इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो में आएंगे अगले किसी कॉन्टेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।